हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मजे में? दोस्तों, आज हम आए हैं प्रतीक ग्रैंड सिटी देखने। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपका सिद्धार्थ विहार के अंदर आता है। दोस्तों, ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, ये रोड आपकी सीधी NH24 पे जाती है। और ये आपका जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, यही आपकी प्रतीक ग्रैंड सिटी है। और दोस्तों, इसके साथ में एपेक्स का प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहीं पे आपका TNT का प्रोजेक्ट है, गौर सिद्धार्थम का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है। आपका यहीं से सीधा रोड मोहन नगर को जाता है और यहीं से आपको NH58 यानी मेरठ वाला जो आपका हाईवे है, उसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर हम बात करें, आपको दिल्ली की भी इजीली कनेक्टिविटी यहां से मिल जाती है। मोहन नगर के थ्रू आप जा सकते हैं, यहां से आपको मेरठ वाले हाईवे की भी कनेक्टिविटी मिलती है और बिल्कुल सामने आपको NH24 की कनेक्टिविटी मिलती है। चलिए दोस्तों, प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की ओर। ये रास्ता आपका सीधा प्रोजेक्ट की ओर जाता है, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना होता है आगे। चलिए दोस्तों, इससे जब तक चलते हैं, हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, यहाँ से आपको इजली दिल्ली की कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप मोहन नगर के थ्रू लोनी की तरफ से निकलते हुए भी दिल्ली को कनेक्ट कर सकते हैं और NH24 से भी आप सीधा दिल्ली को कनेक्ट कर सकते हैं। आपका NH58 की भी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। NH24 से आप सीधा नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन की ओर भी जा सकते हैं। दोस्तों, लोकेशन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। और अगर हम मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहीं से आप आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। और दूसरा मेट्रो स्टेशन आपको शहीद स्थल के बाद जो आपका हिल्टन रिवर का पड़ता है, वो भी वहाँ की भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। गाज़ियाबाद बस अड्डा बिल्कुल पास में है और गाज़ियाबाद का रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल आपका 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है इस प्रोजेक्ट के। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसीलिए नेक्स्ट टू इंद्रपुरम बोलते हैं। बाकी एक बार अंदर चलते हैं। ये मैन आप जो देख रहे हैं, फ्रंट है प्रोजेक्ट का। हम प्रोजेक्ट के बाहर पहुँच चुके हैं। अब दोस्तों, चलिए अंदर चलते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतीक ग्रैंड सिटी के बारे में। ये मेन एंट्रेंस है प्रोजेक्ट का। इसी तरह की एंट्रेंस दूसरे साइड पे रहेगी। एक तरह से बिल्कुल आपका रेडी टू मूव इन कंडीशन में जा चुके हैं कुछ टावर, जिनका भी पोजीशन भी होना है। ये दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं, ये कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर आपकी शॉप्स बनी हुई हैं, तो आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। डेली यूज़ का सारा सामान वगैरह आपको यहीं पे मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें, प्रतीक ग्रैंड सिटी एक आपकी मिनी टाउनशिप है। 40 एकड़ के अंदर ये टाउनशिप आती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसको दो फेज़ में डिवाइड किया गया था। एक आपका फेज़ 1 जो 25 एकड़ का है, और बचा हुआ जो 15 एकड़ का है वो आपका सेकेंड फेज़ है। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें तो फर्स्ट फेज़ में आपके 24 टावर है, जिनमें से 16 टावर बिल्कुल आपके रेडी टू मूव इन कंडीशन में जा चुके हैं और जो बचे हुए 8 टावर है, उनका पोजीशन इनके बाद होगा। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डबल हाइट का एंट्रेंस मिलता है सोसाइटी के अंदर। और ये जो सामने, बिल्कुल सामने क्लब हाउस की कंस्ट्रक्शन है जो आप देख रहे हैं, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने आपकी अंडरग्राउंड पार्किंग है। और ये जहाँ आपका क्लब हाउस बना हुआ है, इसके सामने स्विमिंग पूल है और ये लगभग 3 एकड़ का ग्रीन एरिया आपका है। इसी तरह से दोस्तों, जब आप इन दो टावर के आगे जाते हैं तो फिर आपका 3 एकड़ का एक और ग्रीन एरिया आता है, और उसके बाद फिर आपका टावर आते हैं और फिर आपका एक 5 एकड़ का ग्रीन एरिया आता है। दोस्तों, सोसाइटी के अगर हम सामने बात करें तो लगभग 45 एकड़ के आसपास GDA की लैंड है, जिसमें आपका पार्क वगैरह ही बनेंगे। दोस्तों, अब अगर हम इस टाउनशिप के बारे में बात करें तो मार्केट बिल्कुल सामने ही बना रहा है प्रतीक खुद की, तो उसके लिए आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी अगर सोसाइटी के अंदर हम बात करें तो आपको प्राइमरी स्कूल की लैंड पहले से अलॉट है, तो प्राइमरी स्कूल टाउनशिप के अंदर ही आएगा। एक हाई स्कूल यहीं पे अंदर आएगा और एक आपकी हॉस्पिटल की लैंड पहले से ही अलॉट की जा चुकी है, यानी हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो भी एक टाउनशिप के अंदर होने चाहिए, वो सारे की सारे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। और दोस्तों, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पूरा प्रोजेक्ट MY1 शटरिंग पे बना हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी शानदार है। चलिए एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों,
दोस्तों अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो सोसाइटी के अंदर सारी लग्जरी एमिनिटीज़ आपको मिलती है जो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर आपको मिलनी चाहिए। दोस्तों ये आपका पहला ग्रीन एरिया है या इसको पार्क बोल सकते हैं जो फेज़ वन में आता है। ये दोस्तों सामने आपका स्विमिंग पूल है। अभी के टाइम पे जो आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं इसमें तो आप लोग नहीं नहा पाएंगे, कोई भी नहीं नहा पाएगा, गंदा है। बाकी बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, ये आपको कंप्लीट होके मिलेगा। दोस्तों जो सामने आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल इसके जस्ट सामने ये आपके क्लब हाउस की कंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों क्लब हाउस का साइज भी काफ़ी बड़ा रहेगा, काफ़ी अच्छा क्लब हाउस है। इसी के अंदर आपका सोशल क्लब, आपका जिम, पार्टी हॉल, जकूजी, आपके इंडोर गेम्स, तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको अपने क्लब हाउस के अंदर मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ पे। और दोस्तों ये आपके डबल हाइट की एंट्रेंस रहेगी, जितनी भी आपकी टावर है उन सब के अंदर डबल हाइट की एंट्रेंस है। और दोस्तों इसके साथ में ही बच्चों को भी कोई नाराज़गी नहीं होगी क्योंकि बच्चों के लिए भी झूले वगैरह का पूरा प्रबंध रहेगा। और ये भी आपका पूरा ग्रीन एरिया रहेगा। दोस्तों इसी तरह से आपका एक ग्रीन एरिया, एक पार्क इसके आगे रहेगा जो लगभग 5 एकड़ का होगा, जो आपने अभी देखा इनसे बड़ा एक पार्क रहेगा। तो दोस्तों एमिनिटीज़ वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सारी एमिनिटीज़ जो भी आपको मिलनी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे मिलती है। तो चलिए दोस्तों एक बार आगे चलते हैं, फ्लैट्स वगैरह देखते हैं। और आप लोग दोस्तों लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं फ्लैट की ओर। ये दोस्तों तीसरा पार्क है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, और ये यहाँ पे बड़े वाले साइज है। दोस्तों अगर हम फ्लैट साइज की बात करें तो 2 BHK के अंदर आपके 770, फिर आपका 970, इसके बाद 2+ स्टडी आपका 1150, फिर आपका 1380 में 3 BHK, 1585 में 3 BHK और 1795 स्क्वायर फिट में 3+ स्टडी का साइज आपको मिल जाता है। ये आपकी लॉबी, 3 लिफ्ट लगी हुई है, इसमें आपके बड़े साइज़ के फ्लैट है। तो 2 फ्लैट आपके इस तरफ है और 2 फ्लैट आपके इस तरफ है, इसमें आपके 1585 और 1795 स्क्वायर फिट के फ्लैट है। चलिए दोस्तों सैंपल देखते हैं। 3 BHK स्टडी रूम विद 4 टॉयलेट जो आपका आता है 1795 स्क्वायर फिट में। दोस्तों इसका जो आपका लिविंग रूम रहेगा ये रहेगा आपका 15x11 का। बिल्कुल सामने हम लोग जाते हैं तो ये आपकी बालकनी आ जाती है, काफ़ी वाइड बालकनी है, अप्रोक्स 5 फिट के आसपास। ये दोस्तों आपका बालकनी का व्यू है, ये नीचे आपका पार्क दिखाई दे रहा है, ये सामने आपका बालकनी से इस तरह का कुछ व्यू दिखाई देगा। ये दोस्तों आपका डाइनिंग रूम है, ये आपका 15x10 का है, ये यहाँ साथ में आपका पूजा रूम है, ये आपका 4.5x4 का है। ये दोस्तों आपका स्टडी रूम आ जाता है 9x7 का, और इसके साथ भी आपका एक अटैच वॉशरूम है ये जो आप सामने देख सकते हैं। ये अटैच वॉशरूम दोस्तों काफी खूबसूरत सैंपल बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। ये डाइनिंग एरिया के सामने बिल्कुल आपकी किचन आ जाती है। अगर दोस्तों किचन के साइज का बात करें तो ये आपका 10x9 की किचन आती है, और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं मॉड्यूलर किचन इसी तरह से आपको बना के मिलेगी। और इसके साथ में RO भी आपको लगा के मिलता है जो अभी के टाइम पे ऑफर है उसमें। इसके साथ में आपकी यूटिलिटी बालकनी थी किचन के, ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, ये आपका 13x10 का बेडरूम है। ये सामने अलमीरा वार्डरोब जो दीवार के अंदर है तो रूम का साइज खराब नहीं होगा। ये आपका अटैच वॉशरूम, ये बालकनी आपकी पहले बेडरूम के साथ में आ जाती है, ये बालकनी से आपका व्यू, यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम रहता है। अब चलते हैं आपके सेकंड बेडरूम की ओर। सेकंड बेडरूम का साइज भी आपका 13x10 का है,
ये बिल्कुल सामने विंडो, तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये जो आपका कॉमन वॉशरूम था, ये इसके साथ भी आप सेकंड बेडरूम के एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम है जो आपका 15x11.5 का है। ये आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है आपके अटैच बाथरूम के साथ में। ये पहले आपका ड्रेसिंग एरिया है और ये आपका अटैच वॉशरूम मास्टर बेडरूम के साथ में। ये दोस्तों आपकी बालकनी जो लगभग 5 फीट चौड़ी है और लगभग आपकी 8 से 10 फीट के आसपास की लंबाई में है। ये आपकी बालकनी से व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी के टाइम पे हम ऊपर के फ्लोर पे हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। ये पार्किंग का रास्ता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे सैंपल फ्लैट की ओर। ये आपका 2 BHK है 970 स्क्वायर फीट में। ये आपका लिविंग रूम आ जाता है 12x9 का, जैसे ही आप एंटर करते हैं। और ये सामने आपकी बालकनी, इधर आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है 10x8.5 का। ये आपकी किचन 8x7 की। इसके साथ में आपकी यूटिलिटी बालकनी जो किचन के साथ में अटैच है। ये आपका कॉमन वॉशरूम है बट ये भी बंद है तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की ओर। मास्टर बेडरूम आपका 10x12 के साइज का है। ये वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको अलमीरा का स्पेस मिलता है, वार्डरोब जो आपको अंदर की तरफ ही मिलती है, तो रूम का साइज आपका खराब नहीं होगा। और इसी के साथ में आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, ये देखिए। काफी खूबसूरत सैंपल बना हुआ है, देखिए दोस्तों और इन्जॉय करिए। ये आपके बेडरूम के साथ में बालकनी आ जाती है। ये बालकनी से कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा। काफी खूबसूरत सोसाइटी है, काफी खूबसूरत फ्लैट बनाए हुए हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। अगर सेकंड बेडरूम के साइज की मैं बात करूं, ये आपके 11x10 का साइज रहेगा इसका। ये इसके साथ में बालकनी आ जाती है। ये बालकनी से कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा। ये देखिए हम ऊपर की तरफ है तो काफी खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। चलिए दोस्तों मैं आपको वार्डरोब दिखा देता हूं। ये काफी इतनी ही वाइड इस साइड पे है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले सैंपल की ओर। ये C2 टावर के अंदर बना हुआ है ये लॉबी। चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको लॉबी वगैरह भी अच्छे से दिखा देता हूँ, तो चलते हैं एक बार और लॉबी देख लेते हैं। ये सामने आपकी सीढ़ियाँ और इस तरफ आपकी लिफ्ट लॉबी, 3 लिफ्ट लगी हुई है इस टावर के अंदर भी। छोड़िए दोस्तों, चलिए वापस एक बार सीढ़ियों से ही चलते हैं। ये दोस्तों कुछ इस तरह से आपको फ्लैट बने हुए मिलेंगे। इस टावर में लगभग 8 फ्लैट आपके दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली छोटे साइज के फ्लैट है। ये आपका 2+ स्टडी है 1155 स्क्वायर फीट में।
ये आपका ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया, और इसके जस्ट सामने आपकी बालकनी अटैच। दोस्तों अगर ड्रॉइंग डाइनिंग के एरिया की बात करूं तो ये आपका पूरे 19x11 के साइज का है। ये बिल्कुल सामने आपकी किचन, ये आपके 10x6.5 की किचन है, और इसमें भी आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगी। दोस्तों मॉड्यूलर किचन और आरओ आपको हर फ्लैट के अंदर मिलता है, साथ में एक आपको कवर्ड कार पार्किंग और क्लब की मेंबरशिप ये जो है आपके, और एक आपका पावर बैकअप। इन चीज़ों के पैसे आपसे नहीं लिए जाते हैं। ये आपके यूटिलिटी बालकनी, ये जो अभी के टाइम पे ऑफर चालू है उसी के अंदर ये चीज़ आती है। तो जो भी आप फ्लैट देखेंगे उसके अंदर आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगी। ये आपका कॉमन वॉशरूम था। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आपके बेडरूम की ओर। ये फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम साइज़ की अगर हम बात करें तो 12x10 का आपका साइज़ रहेगा, और ये आपका जो कॉमन वॉशरूम है आप इस बेडरूम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी बालकनी बेडरूम के साथ में अटैच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की ओर। मास्टर बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो ये 13x10 का साइज है। सामने वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है फ्लैट के अंदर, ये देखिए, और बिल्कुल सामने आपकी बालकनी अटैच है, और ये आपका अटैच वॉशरूम इसके साथ में, और ये आपकी बालकनी। और दोस्तों ये है आपका स्टडी रूम, ये 10x7 के साइज का है, और इसमें एक विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए और हवा के लिए, धूप के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 3BHK 1380 स्क्वायर फीट की तरफ। ये बिल्कुल सामने आपकी बालकनी अटैच है आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ में, ये आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा, बिल्कुल क्लब फेसिंग फ्लैट है। और दोस्तों अगर ड्राइंग डाइनिंग के एरिया की मैं बात करूं तो 22x12 का एरिया आपका काफ़ी अच्छा एरिया आपको मिल जाता है, और ये आपके साथ में किचन, किचन के साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 10x7 का साइज़ है, जिसमें भी आपको मॉड्यूलर किचन विद आरओ मिलती है। ये आपकी यूटिलिटी बालकनी किचन के साथ में। ये दोस्तों आपका कॉमन वॉशरूम। ये आपका पहला बेडरूम, ये 13x10 के साइज का बेडरूम है, और इसी के साथ में जो मैंने कॉमन वॉशरूम दिखाया था वो आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ में अटैच भी बन जाता है, आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं होल से और इस रूम के अंदर से भी। और ये दोस्तों आपकी बालकनी पहले बेडरूम के साथ में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। ये आपके 13x11 के साइज का है, ये आप देख सकते हैं। सामने बिल्कुल आपका वार्डरोब का स्पेस, इसके साथ में आपकी अटैच बालकनी। ये कुछ इस तरह से आपका क्लब का व्यू दिखाई देगा और स्विमिंग पूल, काफी खूबसूरत नजारा होगा दोस्तों जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी कुछ इमेज देखी है जिस तरह से ये बन के आएगा तो काफी खूबसूरत इमेजेस है। चारों तरफ आपकी ग्रीनरी, बीच में आपका क्लब हाउस, और सामने बिल्कुल आपका स्विमिंग पूल बना हुआ है। ये आपका अटैच वॉशरूम था। और ये दोस्तों चलते हैं आपके थर्ड बेडरूम की ओर। ये 12x10 के साइज का है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इसकी बालकनी, चलिए दोस्तों ये जो आपका 1585 स्क्वायर फीट का साइज है ये बिल्कुल सेम था आपका 1795 के लिए, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। और ये आपका 770 स्क्वायर फीट ओपन नहीं था, तो आप इसको भी पोज करके देख सकते हैं एक बार। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोजीशन के बारे में। तो फेज वन के जो टावर है C1 से लेके C16 तक, और इसके अलावा P5 और P6 टावर, दोस्तों इन ये बिल्कुल रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। नेक्स्ट मंथ में आप शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके 8 टावर बचते हैं उनका पोजीशन
दिसंबर 2021 में। तो दोस्तों बिल्कुल रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, आइए सामान उठाइए और शिफ्ट कर दीजिए। और जिन भाइयों को अभी शिफ्ट नहीं करना है वो अपने फ्लैट को रेंट पे चढ़ा दो। चलिए दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। आपका 2BHK स्टार्ट होता है 36,50,000 से, 970 स्क्वायर फीट का 2BHK 50,50,000, 1155 स्क्वायर फीट 2+ स्टडी 60,50,000, 1380 3BHK 72,50,000, 1585 स्क्वायर फीट 3BHK ये आपका स्टार्ट होता है 89,50,000, और आपका 1795 स्क्वायर फीट 3BHK प्लस स्टडी रूम ये आपका स्टार्ट होता है 1,01,50,000 रुपये से। दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी है, IFMS लगता है आपका 25 रुपये स्क्वायर फीट, आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर 2BHK के लिए आपका 30,000, 3BHK के लिए 50,000 और 5% का GST। दोस्तों अगर पेमेंट प्लान की बात करें 10% बुकिंग पे आपको देना है, 30 दिन के अंदर 80% देना है और 10% पोजेशन पे देना है। दोस्तों कुछ आपको फ्री ऑफर्स भी मिलते हैं इसमें, आपका EC 2 kW का पावर बैकअप, RO, आपकी कार पार्किंग, मॉडुलर किचन और क्लब की मेंबरशिप रहती है, एक IDC आपका इसी के अंदर आ जाता है। दोस्तों कुछ लिमिटेड टाइम ऑफर्स मिलते हैं आपको फेज़ वन में, अगर दोस्तों आप लोग 30 दिन के अंदर अपना लोन डिसबर्स करा लेते हैं तो। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो एक साल की MI होगी मार्च 2022 तक की वो कंपनी पे करेगी, यानी आपको एक साल का जो लोन होगा वो आपका बच जाएगा। और दोस्तों 21 अप्रैल तक बुकिंग करने पे आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी होगी उसका 50% कंपनी अपनी तरफ से पे करेगी। तो ये दो आपको बहुत बढ़िया ऑफर मिलते हैं। दोस्तों फेज़ टू में अगर बात करें तो कुछ प्राइस कम कर दिया गया है, जैसे आप लोग देखते हैं 2BHK आपका 35,50,000 से स्टार्ट होता है। आप लोग पोज करके एक बार देख लीजिए इसको। पेमेंट प्लान की अगर बात करें तो 50-50 का पेमेंट प्लान इसमें आता है, 10% बुकिंग पे देना होता है और इसके बाद 40% 30 दिन के अंदर, बाकी आपका ऑन पोजीशन। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिव्यू के बारे में। अगर रिव्यू के बारे में बात करूं तो दोस्तों सबसे पहली बात तो प्रोजेक्ट में प्रतीक का नाम, जितने भी प्रोजेक्ट आज तक प्रतीक ने बनाने शुरू किए हैं सभी की ऑन टाइम डिलीवरी दी है और सभी की अगर क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल टॉप नोच होती है। आप प्रतीक के प्रोजेक्ट देख सकते हैं जो आज के बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे आपके ATS हुआ, गोदरेज हुआ, एस हुआ, प्रतीक हुआ, सारे लग्जरी प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका MY1 शटरिंग पे बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। दोस्तों पूरी टाउनशिप है तो स्कूल, हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें साथ में हैं, पार्क वगैरह की कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, आराम से खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दोस्तों अगर प्रतीक के डिलीवर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें आपका रॉयल क्लिफ, एडिफिस, स्टाइलोम, विस्टेरिया, लोरेल और फेडोरा 6 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों काफ़ी भरोसेमंद कंपनी है तो आप लोग आराम से खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, जो कि आप लोगों को ज़रूर आई होगी, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए। कुछ सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको फ्लैट खरीदना हो या मुझसे बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे कॉल करिए। नमस्कार दोस्तों।